नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विंडोज 11 का फ्रेश इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। कैसे आपको विंडोज 11 की ISO इमेज डाउनलोड करनी है, कैसे आपको अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है और कैसे आपको अपने सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल करना है। सपोज आप एक नया सिस्टम परचेज करके लाए हैं या फिर नया लैपटॉप लेकर आए हैं जिसमें कोई विंडोज नहीं है, तो आपको फ्रेशली विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करना है इसका प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरी भी आज हार्ड ड्राइव में कुछ भी नहीं है, एक फ्रेश हार्ड ड्राइव मैं यहां पे यूज ले रहा हूं और उसमें मैं यहां पर विंडोज 11 इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से A to Z प्रोसेस तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई आपको जुगाड़ करके नहीं बता रहा हूं कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास TPM 2.0 नहीं है तब आप विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे या फिर आपके पास अदर सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है तब आप विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं यहां पे आपको कोई जुगाड़ नहीं बता रहा हूं, आपको इंटरनेट की नीड पड़ेगी, आपका सिस्टम प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए विंडोज 11 को, प्रॉपर सभी कॉन्फ़िगरेशन ओके हैं तब आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि सपोज आप आज की जनरेशन का सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं और उसमें आप विंडोज 11 यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। किसी तरीके का कोई जुगाड़ नहीं, सिंपल प्रोसेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। बाकी विंडोज 11 के लिए किन किन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की आपको नीड है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है, इतनी आपको नीड होगी विंडोज 11 को अगर आपको बिना किसी जुगाड़ के इंस्टॉल करना है। तो इंटरनेट होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट पर आपका एक अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, नहीं है तो आप अभी वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, विंडोज 11 इंस्टॉल करते टाइम भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम में और शुरू करते हैं प्रोसेस। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्राउजर में चल के हम अपना यहाँ पे विंडोज 11 की ISO इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने अपने गूगल पे सर्च किया डाउनलोड विंडोज 11 ISO, देन डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे गए और यहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल करने का, असिस्टेंट का भी मिलेगा और डायरेक्ट आप ISO भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ISO का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जो ड्रॉपडाउन यहाँ पे आ रहा है, इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मल्टी एडिशन ISO हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आ रही है। ना यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करना होगा किस लैंग्वेज में आप डाउनलोड करना चाहते हैं ISO इमेज, तो इंग्लिश हम सिलेक्ट करेंगे, देन कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपके पास डाउनलोडिंग लिंक जो है 64-bit का वो यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगा, जिसको जिस पर आपको क्लिक करना है और आपको जस्ट अपने सिस्टम में विंडोज 11 की ISO इमेज डाउनलोड कर लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.2 GB की लगभग ISO इमेज है जो मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो रही है। मैं डायरेक्ट आपको डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना मेरे साथ। ओके, देन इसके बाद क्योंकि हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे तो एक बूटेबल टूल भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो डाउनलोड रूफूस हम टाइप करेंगे और रूफूस की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, सभी का काम एक ही है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं रूफूस 4.0 स्टैंडर्ड जो भी है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा टूल नहीं है, आसानी से हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो डाउनलोड होने के बाद अब अगला टास्क है हमारा, हम अपनी जो पेन ड्राइव है उसको प्लग इन कर लेते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, आपको मिनिमम 16 GB की पेन ड्राइव यूज़ लेनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव प्लग इन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं पेन ड्राइव प्लग इन होकर आ भी गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा है तो मैं एक काम करता हूँ, जो पेन ड्राइव है इसको एक बार फॉर्मेट ही कर देता हूँ जिससे कि प्रॉपर तरीके से मैं इसको बूटेबल बना पाऊँ। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेट भी हो गई है पेन ड्राइव। अब हम अपना रूफूस जो टूल है उसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर ये जो पेन ड्राइव है हमारी वो हमारे टूल में आ जाएगी, डिवाइस में आपको देख सकते हैं यहाँ पे 64 GB की पेन ड्राइव मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बूट सिलेक्शन में से आप अपनी ISO इमेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ISO इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाकी सेटिंग आप एज इट इज रहने देंगे, आपको और कुछ चेंज नहीं करना है। देन यहाँ पे जस्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, कोई भी सेटिंग में आपको कुछ भी छिड़ाखानी नहीं करनी, जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम, सिक्योर बूट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में ये सब चीज़ें हैं तो आप इसको अनचेक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको चेक कर देंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे बनेगी। तो हम यहाँ पे एक फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। आपके सिस्टम में सपोज सब कुछ है और सब चीज़ें आपका सिस्टम फुलफिल कर रहा है और हम उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया और हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल होना शुरू हो गई है। ठीक है, ओके पे क्लिक किया हमने और आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 10 से 15 मिनट में आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो जाएगी, डिपेंड करेगा कि आपकी पेन ड्राइव की स्पीड क्या है। तो यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है, आप देख सकते हैं स्टार्ट और क्लोज का नीचे हमारे पास बटन आ गया, क्लोज कर देते हैं अपनी पेन ड्राइव, हम अपने सिस्टम से निकाल लेते हैं। अब इस पेन ड्राइव को हमें यूज लेना है उस सिस्टम में जिसमें हमें विंडोज 11 इंस्टॉल करनी है। एक मल्टी एडिशन विंडोज ISO हम यूज कर रहे हैं तो जस्ट हमें उस सिस्टम में इस पेन ड्राइव को लगा देना है, ये पेन ड्राइव हमारी बूटेबल है। ठीक है, तो क्योंकि हम एक फ्रेश सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस हार्ड ड्राइव में कुछ भी नहीं हो
यानी कि एकदम नया लैपटॉप अगर आपने परचेस किया हो या फिर नया सिस्टम एकदम है उसमें आप विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि प्रोसेस सब में सेम ही रहेगा। जब भी आप किसी नए लैपटॉप या नए पीसी में बूटेबल पेन ड्राइव प्लग इन करेंगे तो आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी डिवाइस में पहले से कुछ फाइल्स वगैरह हैं तब आपको वहाँ पर हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करनी पड़ेगी बूट मेन्यू से जाके, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन मेरे सामने आ गई है। अगर आपके सामने इंस्टॉलेशन स्क्रीन नहीं आती है तो आपके सामने हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर सपोज आपके सिस्टम में पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप रिमूव करके 11 डालना चाह रहे हैं तो आप अपना सिस्टम की हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आगे जो प्रोसेस आएगा वो मैं बताऊंगा। इंस्टॉल नाउ पे हमने क्लिक किया, सेटअप इज स्टार्टिंग, यहाँ पे विंडोज सेटअप ओपन हो गया है। अभी आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आप आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे, है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की डाल देंगे। ठीक है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक किया, देन यहाँ पे मल्टी एडिशन, ये ISO है तो यहाँ पे हमारे पास मल्टी एडिशन ऑप्शन आ गया है तो हम यहाँ पे प्रो सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और विंडो आ गई है जिसमें आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। देन इसके बाद इंस्टॉल विंडोज ओनली पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो हार्ड ड्राइव की पार्टीशन है चाहे उसमें अनअलोकेटेड पार्टीशन हो या फिर क्रिएटेड पार्टीशन हो वो सब शो करेगा। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में पहले से ही कोई विंडोज इंस्टॉल है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ठीक है सी ड्राइव कौन सी है, जिससे कि आप वो पार्टीशन डिलीट करके और उसी में विंडोज इंस्टॉल कर सकें। अगर एकदम फ्रेश एकदम हार्ड ड्राइव होगी तो आप सब कुछ डिलीट कर सकते हैं और आपको उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, सारा स्पेस अनअलोकेटेड स्पेस नजर आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इस अनअलोकेटेड स्पेस से एक नई ड्राइव हम नया पार्टीशन यहाँ पे बनाने जा रहे हैं जिसका साइज आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं 100,000 MB यानी कि लगभग यहाँ पे 100 GB के समथिंग मैं यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 देन अगेन 000। ठीक है, तो 100,000 MB यानी कि लगभग 100 GB के समथिंग, जो कि 97-98 GB के समथिंग पार्टीशन बनेगा क्योंकि हम यहाँ पे 1024 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम 1000 लेके चल रहे हैं। ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं 97.5 GB का पार्टीशन क्रिएट हुआ और बाकी का जो स्पेस था वो अनअलोकेटेड हो गया है। ठीक है, तो हम 97.5 GB के साथ चलते हैं, आप कितना भी साइज ले सकते हैं और मिनिमम 100 GB तो आप रखिएगा विंडोज 11 के लिए, क्योंकि जैसे ही आप ऐप्स डालना शुरू करेंगे तेजी से आपका जो स्पेस है सी ड्राइव वो भर जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, अपना पार्टीशन सेलेक्ट करके देन आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, सिंपल प्रोसेस है एकदम, जस्ट आपको पेन ड्राइव प्लग इन करना है फिर उसके बाद जो भी टास्क है अपने आप ही होगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएँ। ओके, लेकिन स्टेप में कोई सा भी मिस नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एकदम फ्रेश बिना किसी जुगाड़ के विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम इसमें कोई जुगाड़ नहीं कर रहे हैं कि हाँ ठीक है इंटरनेट नहीं है तब हम क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तब हम क्या करें, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट लिखा रहा है स्क्रीन पर, और इसी तरीके से विंडोज 11 का जो टीजर है इस तरीके से आएगा और आपका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, देन यस पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे अपना कीबोर्ड लेआउट आप सेलेक्ट करेंगे जो कि US इंग्लिश ही रहेगा, देन बाकी का सेकेंडरी कीबोर्ड आपको जरूरत नहीं है स्किप कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं लेट्स कनेक्ट यू टू अ नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरनेट की नीड पड़ेगी तो आप यहाँ पे अपना इंटरनेट जो भी वाईफाई कनेक्शन है आप वो उससे कनेक्ट कर लेंगे। हालांकि इन चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये एक रॉ प्रोसेस है, यानी कि रॉ तरीके से जेन्युइन तरीके से आप विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करें, हालांकि जब विंडोज 11 नया नया आया था तो उसको कैसे अपग्रेड करना है वो मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है, काफी सारे लोगों ने देखा भी है, लेकिन अब लोग मन बना रहे हैं विंडोज 11 का, विंडोज 11 फ्रेशली इंस्टॉल करने का, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरनेट से आप कनेक्ट कर लेंगे, इंटरनेट आपके पास हो गई नहीं तो अपने फोन को हॉटस्पॉट बना के आप कनेक्ट कर लेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो मैंने अपने वाईफाई से यहाँ पे अपना जो इंटरनेट है वो कनेक्ट कर लिया, पासवर्ड की डाली और नेक्स्ट कर दिया।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, आप देख सकते हैं, मेकिंग श्योर यू हैव द बेस्ट गुड थिंग्स कमिंग योर वे। तो इस तरीके से आपका सिस्टम वर्क करेगा। आपको अपना डिवाइस का नेम यहाँ पे डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, आप देख सकते हैं बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। हाइफन अंडरस्कोर का यूज आप ले सकते हैं। तो मैंने निखिल पीसी यहाँ पे डाला और इसको आगे की तरफ बढ़ाया। देन यहाँ पे वापस से मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ जस्ट अपने सिस्टम का यूजर नेम डालते ही। इसके बाद वापस से जस्ट मूवमेंट करके यहाँ पे आपके सामने प्रोसेस चलेगा और आपका सिस्टम फिर से रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप दिस डिवाइस, सेटअप फॉर पर्सनल यूज या फिर फॉर वर्क और स्कूल। तो पर्सनल यूज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस के कुछ फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे मेन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको फ्री मिलता है, ठीक है, आप फ्री में एक्सेस कर पाते हैं। 5 GB तक का आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको इसलिए एक बार साइन इन करना पड़ेगा और ये एक जेन्युइन प्रोसेस है, ठीक है, एक रॉ प्रोसेस है। इन सब चीजों को स्किप करना ही मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको रॉ प्रोसेस बता रहा हूँ। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, कुल मिला के बात यह है। अगर आप नहीं है तो आपके पास नीचे नो अकाउंट आगे क्रिएट वन का भी ऑप्शन आ रहा है, अब अपने नंबर से मेल आईडी से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। नहीं है तो आप कर सकते हैं क्रिएट वन, क्योंकि आप इंटरनेट से तो कनेक्ट हो ही चुके हैं, तो सारा प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करके हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और जब भी आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रहने से आपको आगे भी इजीनेस रहेगी, आगे जब अपना सिस्टम आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे विंडोज 11 एक खास फीचर मुझे दे रहा है सिस्टम को रीस्टोर करने का, क्योंकि मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन किया है, एक नया अकाउंट नहीं बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे पहचान लिया है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का पुराना यूजर हूँ, ठीक है। तो वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मैं अपने पुराने सिस्टम से जो फाइल्स हैं या फिर सेटिंग्स हैं उनको रीस्टोर कर सकते, डेटा फाइल्स नहीं, जो सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं, वन ड्राइव की फाइल्स या फिर एप्स हैं या फिर सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस हैं, जो भी चीज़ें सिंक थी मेरे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ उन्हें मैं यहाँ पे रीस्टोर कर सकता हूँ। और मजे की बात यह है कि अलग अलग यूज़र भी मुझे बता रहा है कि इस यूज़र से रिकवर करना है, इस यूज़र से रीस्टोर करना है, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेटअप एज अ न्यू डिवाइस अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू डिवाइस सेटअप करता हूँ, सेटअप एज अ न्यू डिवाइस, आपके साथ ही चलते हैं, कोई यहाँ पे रीस्टोर नहीं करते हैं। सेटअप एज ए न्यू डिवाइस करा, नेक्स्ट किया, यहाँ पे आप अपना पिन क्रिएट करेंगे। इजी पिन नहीं होना चाहिए, 1234 टाइप, जस्ट एक यूनिक पिन होना चाहिए, वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसको याद रखेंगे। एंड उसके बाद लोकेशन वगैरह आप चाहे तो इनको ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ऑन भी रहने दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जो प्राइवेसी सेटिंग है इनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं नॉर्मल प्रोसेस, जिसको आप स्किप करना चाहते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़े और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रही है, चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है, यानी कि करंट अपडेट्स के साथ हमारा जो सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद वापस से सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, हाय गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू यहाँ पे लिखा आया, दिस माइट टेक्स अ फ्यू मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट सभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे विंडोज 11 का। अब विंडोज 11 हमारे सामने शुरू होके आने वाली है, ऑलमोस्ट देयर भी लिखा आ गया है, तो जस्ट यहाँ पे विंडोज 11 आप देख सकते हैं सामने शुरू होके आ गई। तो विंडोज 11 कंप्लीट हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार विंडोज 11 इंस्टॉल तो कर लिया, अब एक्टिवेट कैसे करें, तो एक्टिवेट का प्रोसेस भी आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक्टिवेट भी हो जाएगा, फ्री में एक्टिवेट हो जाएगा। और विंडोज 10 अगर आपके पास था, अगर विंडोज 10 का लाइसेंस आपके पास था तो विंडोज 10 की लाइसेंस की से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि विंडोज 11 हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया और आप भी आसानी से कर पाएंगे। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसमें कोई ग्लिच नहीं है, किसी तरीके का कोई एरर नहीं है, जस्ट आपको फ्लुएंटली जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। तो विंडोज 11 कोई हवा नहीं है, जैसे बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं वैसे आप विंडोज 11 भी इंस्टॉल करेंगे। और आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जो भी यूजर विंडोज 11 यूज करना चाह रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो इस वीडियो को सेव रखें अपने पास, और या फिर जो करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें जिससे कि वो भी आसानी से विंडोज 11 यूज कर पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।